अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड। इस वीडियो में बात करेंगे बाइनेंस एप्लीकेशन की, ठीक है, या बाइनेंस वेबसाइट की। अच्छा, बाइनेंस जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है वो आप क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो और जो है सेल कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसकी जो ट्रेडिंग वगैरह आप वो कर सकते हो। इसके अलावा जो है क्रिप्टो करेंसी को बाय करके और अपने वॉलेट में भी जो है वो सेव कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि हम जो है उसका अकाउंट जो है किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी जो वेरिफिकेशन वगैरह होती है वो सब प्रोसेस मैं आपको उसमें बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जो है पहले अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके आप बाइनेंस टाइप करेंगे तो आपके पास जो है ये बाइनेंस डॉट कॉम की एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बाय एंड सेल क्रिप्टो इन मिनट्स, ठीक है, यानी कि आप जो है वो ईजली इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट में आने के लिए आप सिंपल जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ करेंगे। रजिस्टर्ड नाउ के बाद जो है सर आपकी लोकेशन मालूम करेगा कि आप जो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया क्योंकि मेरी जो लैपटॉप की लोकेशन है वो ऑन है, ठीक है, तो उसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप यहाँ से जो है उसको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके और जिस भी कंट्री में रहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहे हैं, कन्फर्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है आपसे क्रिएट अकाउंट का बोला है कि पहला जो स्टेप है वो है क्रिएट अकाउंट, दूसरा है वेरीफाई आइडेंटिटी और उसके बाद जो है अनलॉक प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको अकाउंट क्रिएट करना है हम जो क्रिएट पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी देनी है, ठीक है, ईमेल आईडी देंगे, इसके बाद उसका पासवर्ड होगा और यहाँ पे जो है आप उसको एग्री पे क्लिक करके और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर लेते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो अपनी ईमेल आईडी टाइप कर ली है, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड जो है आपको इस तरह से रखना है कि आप देख सकते हैं इसमें बता भी रहा है कि एक जो है वो मिनिमम 8 करेक्टर्स हों और इसके अलावा जो एक नंबर हो और एक जो है वो अपर केस हो यानी कि कैपिटल वर्ड हो, ठीक है। इसके बाद आप उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये अब आपसे जो है ई मेल की आपकी जो वेरिफिकेशन होती है, जैसे नॉर्मली सारे अकाउंट्स में होती है कि आपकी जो है वेरिफिकेशन करता है, एक कोड होता है वो आपकी ई मेल एड्रेस पे भेजता है और आप वो कोड जो है यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। तो हम जो है उसको गेट कोड करते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो कोड जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया। तो अब आप जो अपनी ई मेल आई डी को चेक कर लेते हैं, ठीक है, ई मेल आई डी पर मेरे पास जो है मोबाइल पर कोड आ गया है और अब जो है मैं उस कोड को टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोड टाइप करने के बाद आप सिंपल सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद जो ये वेरीफाई करेगा कि वो कोड जो है वो ओके था या नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ से आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है, आप जो मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दें तो अच्छी बात है, आपकी जो सिक्योरिटी है और ज़्यादा टफ हो जाएगी, ठीक है, यानी कि किसी भी मोबाइल डिवाइस में आपका जब लॉग इन करोगे तो जो ये दोनों चीज़ों की वेरीफिकेशन करेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम फ़ोन का भी जो वेरीफिकेशन कोड है वो गेट कर लेते हैं, ठीक है, आप उसको गेट करोगे तो अभी आपके मोबाइल पे जो है आपके जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया उस पर जो है आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, ठीक है, वो आप कोड यहाँ पे टाइप करोगे तो उसके बाद ही फिर जो है आगे प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है। तो आप जो इस तरह करोगे तो आपका जो सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि किसी भी डिवाइस में जब आप लॉग इन करोगे तो आपसे जो है वो ईमेल पे और मोबाइल पे दोनों पे जो है वो वेरिफिकेशन के बाद ही आगे उसको लॉग इन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन पे आ गया, ये हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, वेरीफाई का कर रहा है, तो हम वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे जो है आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है और जो है लास्ट नेम क्या है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना नेम टाइप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे मेरा नाम जो है वो मोहम्मद आदिल कुरैशी है, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि जो मेरे कार्ड वगैरह बने हुए हैं बैंक वगैरह के, तो उसमें जो है वो जो मेरा नाम है वो सिर्फ मोहम्मद आदिल लिखा हुआ है। तो जब मैं कार्ड्स के जरिए डिपॉजिट करवाने के ऑप्शन में आया तो वहाँ पे मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही थी कि फर्स्ट नेम था मोहम्मद और लास्ट नेम वो कुरैशी दिखा रहा था, जबकि मेरा जो कार्ड पे नेम है वो मोहम्मद आदिल है, ठीक है। तो आप जो है वो इसका ख्याल रखिएगा, आप जो इसी तरह से टाइप करिएगा कि आपका जो नेम है जो कार्ड पे नेम आ रहा है वो इसी तरीके से आए, जैसे आपका नाम जो है वो मोहम्मद मारूफ है, ठीक है, तो आपको मोहम्मद जो है वो फर्स्ट उसमें रखना है और लास्ट नेम में जो है वो मारूफ आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपके कार्ड पे जो नेम सिर्फ मोहम्मद मारूफ है, तो फिर आपको जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि डिपॉजिट के टाइम पे जो है वो आपके कार्ड को वो एक्सेप्ट कर लेगा। मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो है वो उसमें एक तो एडिटेबल नहीं है, मैं उसमें एडिट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे सिर्फ मोहम्मद कुरैशी लिखा हुआ आ रहा है और जब मैं कार्ड से अपने डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ इसमें USDT तो वो डिपॉजिट नहीं करने दे रहा, मना कर रहा है मुझे, क्योंकि इधर से आते कार्ड का नेम जो है वो मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ की जो है मैंने मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी तो मैंने कहा आप लोग भी बता दूँ, आप लोग को इस चीज़ के बारे में गाइड कर दूँ, तो आप जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हुए कि जो है वो नाम जो है वो क्रेडिट कार्ड पर जो है वही नाम आपका इसमें टाइप हो। मैंने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे एंटर कर दिया, इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे आपका एड्रेस मांगता है, ठीक है, जो आपके घर का एड्रेस है या आपके जो CNIC पे एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है, अगर आप वही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
उससे जो है इसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपना जो एड्रेस है वो टाइप कर देता हूँ। मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, और पोस्टल कोड डाल दिया, और उसके बाद जो सिटी सेलेक्ट करेंगे और उसको कंफर्म कर देंगे, ठीक है। अब देखें, अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको जो है वो किसके ज़रिए जो है अपनी वेरिफिकेशन करानी है। आप जो है पासपोर्ट के ज़रिए भी करा सकते हैं और NIC के ज़रिए भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो NIC है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी कि स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, तो उसके ज़रिए जो है वेरिफिकेशन होगी। मैं पासपोर्ट के ज़रिए जो है उसको वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद जो आप इसको कंफर्म करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये आपको ऑप्शन दे रहा है, मतलब ये दिखा रहा है ऊपर भी आपको कि आपको जो किस तरह से पासपोर्ट को रखना है। पासपोर्ट जो आपका बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप अगर आप जो है वो लैपटॉप है आपके पास, ठीक है, या अगर कंप्यूटर भी कर रहे हैं तो आपके पास जो है वेबकैम होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, तो आप जो है फिर उसको मोबाइल में लॉगिन करेंगे। मोबाइल में लॉगिन करने के बाद जो है अपने ID कार्ड को या पासपोर्ट को जो है स्कैन करके और यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। मेरे पास जो अभी लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से डायरेक्ट जो है अपनी जो ID कार्ड है उसको स्कैन कर रहा हूँ, और उसी के साथ जो है सॉरी पासपोर्ट को स्कैन कर रहा हूँ। और जो है आगे चल के जो है ये सेल्फी भी मांगता है, तो वो भी जो है अपने लैपटॉप के कैमरे के ज़रिए जो है उसको प्रोवाइड करूँगा। आप जो है सिंपल इस कैमरे पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लैपटॉप का कैमरा है वो एक्टिव हो जाएगा, या जो कंप्यूटर में वेबकैम लगा हो एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद जो है आप इस तरह से जो आपका पासपोर्ट है आप उसको जो है स्कैनिंग करवा कर कैमरे के बिल्कुल जो है वो करीब करके इस तरह से कि बिल्कुल सेंटर में आ जाओ, जो पूरी आपके पासपोर्ट की तस्वीर है वो कैप्चर हो। कैप्चर आप फोटो करेंगे, ठीक है, तो यह कैप्चर कर लेगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, तो आप इसको जो है वो कंफर्म कर देंगे, और नहीं तो आप इसको रीटेक करेंगे। अच्छा, अब जो है यहाँ पे इसको अपलोड कर लेगा, आपको जो है यहाँ पे विजिबल भी हो जाएगी कि जो ये अपलोड हो गई है। इसके बाद जो है आप सिंपल कंफर्म करेंगे। कंफर्म के बाद जो है ये अब आपसे सेल्फी का बोल रहा है, ठीक है, कि टेक अ सेल्फी। तो आप जो सिंपल जब टेक अ सेल्फी पे क्लिक करेंगे तो फिर से जो आपका लैपटॉप का कैमरा है वो एक्टिव हो जाएगा, और जो वहाँ पे आपको एक सेल्फी अपनी लेनी होगी, ठीक है। यानी कि सर ये भी आपकी वेरिफिकेशन में आता है, ठीक है। आप जो सिंपल एक लाइट के साथ सेल्फी लेंगे अपनी, और उसको भी जो अगर आपको ओके लग रही है तो कंफर्म करेंगे, और अगर ओके नहीं लग रही तो आप उसको जो वो रीटेक ले सकते हैं। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है ये, ठीक है। तो हम जो है वो इसको भी कंफर्म करते हैं। जैसे ही आप इसको कंफर्म कर देंगे तो ये भी जो है वो अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के बाद आपके पास जो है वो आगे कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम जब उसको दोबारा से कंफर्म करते हैं, तो अब जो है ये फेस रिकॉग्निशन बोल रहा है, ठीक है, यानी कि आपके जो फेस की रिकॉग्निशन इसको चाहिए, तो वो जो है वो कैमरे के लैपटॉप के कैमरे से नहीं होगी, ठीक है, वो आपको जो है मोबाइल के ज़रिए करना पड़ेगा। तो अब ये बोल रहा है कि आप जो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो उस कोड को स्कैन करेंगे, तो ये आगे का जो प्रोसीजर है जो भी वेरिफिकेशन है वो मोबाइल के ज़रिए होगी। चलिए, तो अब मैं आपको जो है वो मोबाइल की जो स्क्रीन है उस पर लेकर चलता हूँ, ताकि आप जो आगे का जो प्रोसीजर है वो देख सकें, ठीक है। यहाँ पर अब आपका वो मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है। आपको सिंपल जो अपनी बाइनेंस ऐप को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर स्कैनर का ऑप्शन आ रहा है, उसको स्कैन पर क्लिक करेंगे। ये आपसे जो परमिशन मांगेगा, हम इसको परमिशन अलाउ करेंगे, और उसके बाद जो है सिंपल आपको उस कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है अब ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, हम जो है उसको वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। तो अब जो है ये आपसे फेस रिकॉग्निशन की वेरिफिकेशन करेगा। यहाँ पे आपको जो फेस को थोड़ा सा अपना मूव करना होता है, ठीक है। इसके बाद ये आइज ओपन क्लोज का कह रहा है। अब जैसे ही आइज ओपन क्लोज करेंगे इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो गई है। अब आप इसको कर देंगे आई हैव कम्प्लीटेड दिस ऑन माई फोन। उसके बाद जो है आपकी जो वेरिफिकेशन है वो अंडर रिव्यू चली जाएगी, और 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपको मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो जाएगा। ईमेल भी आ जाएगी कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अकाउंट वेरीफाई होने पर जो किस तरह से शो होता है। तो मैं अपने मोबाइल में जो है बैलेंस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ओपन करने के बाद आप देखेंगे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ऊपर जो है वो पहले अंडर रिव्यू लिखा हुआ होगा, उसके बाद अब जो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ है, जो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और वेरीफाई होने के बाद ही जो है आप इस पर ट्रेडिंग अपनी कर पाएंगे, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर पाएंगे। बाइनेंस के अंदर जो किस तरह से क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो किस तरह से हम इसमें जो अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कराएंगे, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी को जो है वो किस तरह से इसमें कन्वर्ट करके USDT में किस तरह से करेंगे, और जो P2P का ऑप्शन जो होता है, इन सब के बारे में आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी जो प्लेलिस्ट है बाइनेंस के हवाले से या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है इसमें, तो उसको भी जो है वो आप वॉच करते रहें। उसमें जो है मैं अनकरीब सारी इसकी जो बेसिक वीडियोस हैं वो सब डाल दूंगा, कि आप किस तरह से जो है उसमें बाय करेंगे और किस तरह से सेल कर सकते हैं, और अपनी करेंसी वगैरह को जो है वो डिपॉजिट करेंगे, यानी कि एक कम्प्लीट प्रोसेस जो है उसमें आपको मिल जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल माइक ऐड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।